नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। पीसीसी में खड़के का स्वागत। मेरा ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने गुरुवार को कहा कि कई प्रदेश इकाइयों में उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़के का स्वागत किया जाता है और बड़े बड़े नेता उनसे मिलने आते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वह कोई शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन व्यवस्था में कमियां हैं क्योंकि 22 साल से पार्टी में चुनाव नहीं हुआ। और थरूर ने भी यह कहा कि केंद्रीय चुनाव प्रतिधारक और प्रमुख मधुसूदन के मिस्त्री ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने का प्रयास किया है। उन्होंने गुरुवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट के सदस्य के साथ बैठक की और अपने साथ वोट मांगा। इसमें पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, दिल्ली महिला कांग्रेस व अध्यक्ष अमृता धवन और कुछ अन्य डेलीगेट शामिल हुए। शशि थरूर, सिस्टम में खामी। तिरुवनंतपुरम में लोकसभा सदस्य 66 वर्षीय थरूर ने दोनों उम्मीदवारों के लिए समान अवसर नहीं होने से संबंधी अपने पहले की एक टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कहा, मैं मिस्त्री साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, सिस्टम में कुछ कमियां हैं क्योंकि 22 साल से चुनाव नहीं हुए। यौन संबंध मामले में नाबालिग की इच्छा मायने ही रखती। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नए फैसले में कहा कि भले ही एक नाबालिग लड़की अपना घर छोड़कर किसी से विवाह कर सकती है, लेकिन और अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध स्थापित करती है, लेकिन नाबालिग की इस इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। न्यायमूर्ति राधा रानी ठाकुर ने अलीगढ़ के प्रवीण कश्यप नामक एक व्यक्ति की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। प्रवीण ने एक नाबालिग लड़की के साथ विवाह किया और दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि CRPC की धारा 146 और 166 के तहत पीड़ित द्वारा किए गए बयान में मुताबिक उसने अपनी इच्छा से घर छोड़ा था और विवाह किया था। उन्होंने कहा कि याचिका 4 जून 2022 से जेल में है, इसलिए उसकी जमानत का अनुरोध किया जाता है। घटना के दिन नाबालिग थी ऊपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका पर कहते हुए आपत्ति की कि अलीगढ़ के नोहरला खैर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के मुताबिक पीड़िता की जन्म तिथि 10 मई 2006 है और घटना के दिन 2 जून 2002 को नाबालिग थी, इसलिए इच्छा मायने नहीं रखती। त्रिपुरा में दो नई ट्रेनों को राष्ट्रपति दिखाई हरी झंडी। अतरलगढ़ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को अतरगढ़ अगरतला रेलवे स्टेशन से दो ट्रेनों अगरतला खोंगसांग जनशताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया, जिससे क्षेत्र में संपर्क और मजबूती मिलेगी। अगरतला रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम में राज्य मुख्यमंत्री मानिका साहा, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और राज्य के परिवहन मंत्री प्रणजीता सिंह रॉय भी मौजूद थे। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जनशताब्दी एक्सप्रेस त्रिपुरा की राजधानी की जिरीमाब होते हुए मणिपुर के लिए खौसंग के एक 6 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वर्तमान में अगरतला के सड़क मार्ग की मणिपुर और जिरीमाब पहुँचने में 15 मिनट लगते हैं। दूरी एक्सप्रेस ट्रेन जो अब कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलती है अब अगरतला तक के चलेगी। इस प्रकार यह ट्रेन तीनों शहरों को रेल का संपर्क के माध्यम से जोड़ेगी। अधिकारी ने कहा, त्रिपुरा के लोग जो विभिन्न उद्देश्य के लिए कोलकाता जाते हैं, वह उपचार, शिक्षा या पर्यटन है, को वह नई सेवा से अत्यंत लाभवंत होंगे। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल चला दूसरे ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज पर। नमस्कार।